नमस्कार, मैं अंजय त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का ठाकुर पब्लिकेशन के फार्मेसी चैनल पर। हम आपको बता दें कि प्रदेश में बदले नर्सिंग कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया 386 कॉलेजों की 17,845 सीटों के लिए अब प्रवेश परीक्षा होगी। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन कॉलेजों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा, उसकी मेरिट कॉलेज तय करेगी। प्रदेश के नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेज में चल रहे जनरल नर्सिंग एवं जीएनएम कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया बदल दी गई है। प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा, परीक्षा के बाद मेरिट बनेगी, फिर उसी आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से चिकित्सा शिक्षा के साथ ही नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस रणनीति के तहत 2 साल से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दिया जाएगा। अब 3 वर्षीय जीएनएम डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि सत्र 2024-25 में जीएनएम में दाखिला ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के तहत लिया जाएगा। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सौंपी जाएगी। उम्मीद है कि जून माह के पहले सप्ताह में परीक्षा का विवरण जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों से आवेदन लिए जाएंगे। इनके परीक्षण के बाद ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को सौंपी जाए अथवा अन्य किसी चिकित्सा संस्थान को, क्योंकि नर्सिंग और पैरामेडिकल की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कराता रहा है। बने रहिए ऐसी और एजुकेशनल वीडियो के लिए ठाकुर पब्लिकेशन के साथ। मैं अंजय त्रिपाठी, आपका दिन शुभ।